हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में भी देखने वाले हैं साइकोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आज की वीडियो में देखेंगे 10 से 12 या 15 क्वेश्चन तक आज की वीडियो में इसमें हम देखने वाले हैं। तो साइकोलॉजी नोट्स की जो पीडीएफ कुछ स्टूडेंट्स ने जो है परचेज कर ली है, पिछले कल शाम को मैंने ये वीडियो डाली थी कि पीडीएफ आपकी अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं। इसी पीडीएफ से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ साइकोलॉजी नोट्स पीडीएफ क्वालिटी लर्न पॉइंट 400 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैंने इंक्लूड किया है, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये मेरा दावा है कि ये 400 जो आपके क्वेश्चन हैं इसमें से ही सभी स्ट्रीम के लिए क्वेश्चन डलने वाले हैं। आप ये मान के चलिए कि कम से कम जो है 15 क्वेश्चन इस पीडीएफ से हर स्ट्रीम के लिए आने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक ये पीडीएफ नहीं ली है तो आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। परचेज कैसे करेंगे, आपको जो है गूगल पे पे करना है 9817738 3916, ये आपका गूगल पे का मेरा नंबर है, इस पर आपने पे करना है। अगर आपको साइकोलॉजी की पीडीएफ चाहिए 65 रुपीज़ इसका जो है अमाउंट है, इसके साथ एक पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। और यही नंबर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो उस पर आपने स्क्रीनशॉट या फिर जो रिसिप्ट आपने शेयर करनी है आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, बाकी जो है लास्ट में बात करते हैं इसके बारे में। साइकोलॉजी शब्द सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो साइकोलॉजी शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया रुडोल्फ गोलको द्वारा किया गया। ये जो पीडीएफ है ये डायरेक्ट मैंने जो है मेरे पास जो नोट्स थे उससे ये मैंने बनाई है, बाकी टाइप करके भी यही आपको मिल जाएगा। वो पीडीएफ अभी बनी है लेकिन जो अभी मेरी पहुँच से बाहर है, जैसे ही मुझे वो पीडीएफ मिलेगी, अगर आप इस पीडीएफ को भी परचेज करते हैं, मटीरियल सेम है, उसके बावजूद भी वो पीडीएफ आपको मैं सेंड कर दूँगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति, तो साइकोलॉजी जो शब्द है इस शब्द की जो उत्पत्ति है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है, पहला है आपके पास साइकी और दूसरा है लोगस। अब आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन क्या है, जो आपका साइकी है प्लस लोगस है इसको जो है क्या क्या है, साइकी का हिंदी में अर्थ क्या है और लोगस का हिंदी में क्या अर्थ है, जिससे मिलकर आपका बना है साइकोलॉजी। तो ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट जरूर कीजिएगा। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है, तो शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है तो ये है आपकी मानव व्यवहार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है आपके पास व्यवहार की सबसे पुरानी विधि कौन सी है, तो व्यवहार की जो सबसे पुरानी विधि है वो है अंतर्दर्शन विधि, इंट्रोस्पेक्शन जो आपका मेथड है ये आपकी व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि है। तो ये जो पीडीएफ है आपकी, ये 300 क्वेश्चन आपके इसमें हिंदी में है और इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। आप सभी को पता है, आप पहले से मेरे साथ जुड़े हैं तो आप सभी को पता है कि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 300 क्वेश्चन आपके हिंदी में है और बाकी 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगते थे कि इंग्लिश वालों के लिए इंपॉर्टेंट वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। आगे चलते हैं, आगे आपके पास आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है आपके, तो ये है विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास मनोविज्ञान के व्यवहार सिद्धांत के जनक, तो मनोविज्ञान के व्यवहार यानी कि फादर ऑफ बिहेवियरिज्म ये पूछा गया है, तो ये इसके जो जनक कौन है, तो ये है आपके जेबी वॉटसन, तो जो आपके व्यवहारवाद से संबंधित हैं। व्यक्तित्व के दो खंड सिद्धांत के प्रतिपादक यानी कि टू फैक्टर थ्योरी जो है वो किसके द्वारा जो दी गई है, तो वो दी गई है आपके स्पीयरमैन द्वारा। इसमें जो दो फैक्टर आपके कौन कौन से थे वो भी मैंने पिछली वीडियो में आपको कई बार बताया है, तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन है होमवर्क का कि वो दो फैक्टर कौन कौन से है जो आपके स्पीयरमैन द्वारा बताए गए हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो किसके द्वारा दी गई, जीन पियाजे द्वारा दी। लास्ट 3-4 वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा था कि जो आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इसकी जो 4 स्टडीज़ है जीन पियाजे द्वारा बताई गई है उसकी कौन कौन सी स्टडीज़ है, 2 से 3 जो स्टूडेंट है उनके ही रिप्लाई देखने को मिलते हैं। तो अब आपसे निवेदन है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसको आप कमेंट जरूर कीजिएगा। खेल विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं या किसे कहा जाता है, तो खेल विधि का जनक या प्रतिपादक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपके फ्राबिल को। इम्पोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे चाहे आपका स्ट्रीम कोई भी हो। बुद्धि गुणांक का प्रत्यय सर्वप्रथम दिया था, तो बुद्धि गुणांक का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया था, तो अल्फ्रेड बिने द्वारा जो है बुद्धि गुणांक का सर्वप्रथम प्रत्यय दिया गया था। योग्यतम की रक्षा का सिद्धांत किसने दिया, तो योग्यतम की रक्षा का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था आपके डार्विन द्वारा।
बुद्धि लब्धि की सामान्य सीमा क्या है? तो बुद्धि लब्धि की सामान्य सीमा है आपकी 90 से 110। अगर आपसे पूछा जाएगा कि टनमन ने जो है बुद्धि की सामान्य सीमा कितनी बताई थी, तो उसने बताई थी आपकी 90 से 100। तो ये भी आप एक फैक्ट इसमें साथ साथ याद करके चलिएगा। किसने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि को परिभाषित किया? तो विलियम स्टर्म द्वारा जो है सबसे पहले जो है बुद्धि लब्धि शब्द को प्रतिपादित किया गया। प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था, यानी कि एक दूसरे के जो प्रतिद्वंद यानी कि प्रतियोगिता की जो भावना का जो विकास है वो कब होता है? तो वो होता है किस अवस्था को कहा जाता है जिसमें जो एक दूसरे से आगे प्रतियोगिता की भावना रहती है? तो ये रहती है बाल्य अवस्था में। तो ये बालकों में देखी जाती है ये अवस्था, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो बीने साइमन द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन इस पीडीएफ में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप देख सकते हैं जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन किए, ये क्वेश्चन अगर आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखें उन सभी में भी इस तरह के क्वेश्चन ही देखने को मिले हैं। ये मेरा दावा है कि कम से कम जो है 15 क्वेश्चन हर स्ट्रीम वालों को इसी पीडीएफ से देखने को मिलेंगे। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम में आपके पास प्रयोगात्मक विधि का सर्वप्रथम प्रस्तावित किया, तो विलियम वुंट द्वारा। तो प्रयोगात्मक विधि को जो आपका सर्वप्रथम जो प्रस्तावित किया गया था, ये किया गया था विलियम वुंट ने। तो ये आपके जो है 16 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में आपने कर लिए हैं। बाकी जो इस वीडियो को आप परचेज कर सकते हैं, आपको मैंने गूगल पे का नंबर बता दिया है 9817783916। इस पर आपने पे करने हैं 65 रुपीज़। इसके साथ एक पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी 15 क्वेश्चन की साइकोलॉजी की एमसीक्यू के साथ। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो पीडीएफ मैं बिल्कुल आपको फ्री में देने वाला हूँ। इसको आपने जब पे कर लेंगे 65 रुपीज़, उसके बाद स्क्रीनशॉट आपने इसी नंबर पे, ये व्हाट्सअप नंबर भी है तो इसी नंबर पे आपने सेंड करना है, और व्हाट्सअप के थ्रू ही आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी ये पीडीएफ अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद है आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करेंगे।